हुंडी और चिट्ठी पर पैसों का लेन देन मत करना, 25 करोड़ तक जुर्माना और जेल भी होगी। मोदी सरकार द्वारा एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसके कारण पूरे बाजार में घबराहट हो गई है। बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम अध्यादेश सरकार द्वारा लाया गया है, जिसके माध्यम से इसका नोटिफिकेशन कर इसे लागू भी कर दिया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि पोजी स्कीम गैर कानूनी वित्तीय संस्थान तथा चीट फंड कंपनियों पर इस कानून के माध्यम से लगाम लग जाएगा। यह नोटिफिकेशन शुक्रवार को आया और इस नोटिफिकेशन में यह प्रावधान है कि जिन्होंने रिकॉर्ड में किसी अन्य से लेन देन या उधार दिखाया है तो उन्हें भी अब तुरंत ही लौटाना पड़ेगा। यह कहा गया है कि नए कानून में यह प्रावधान कर दिया गया है कि यदि फर्म है तो पार्टनरों के अलावा किसी से भी उधार लेना या देना गैर कानूनी है। ऐसे आर्थिक व्यवहार पर 5 लाख से 25 करोड़ तक के जुर्माने के साथ 1 से 7 साल तक की सजा का भी प्रावधान कर दिया गया है। इस दायरे में सिर्फ व्यापारी ही नहीं बल्कि वह लोग आएंगे जो हुंडी और चिट्ठी के माध्यम से भी एक दूसरे को पैसा देते हैं और लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस कानून से गैर कानूनी डिपॉजिट स्कीम पर रोक लगेगी। जो लोग या कंपनियां अभी भी अनुमति के बगैर कारोबार कर रहे हैं और कम ब्याज पर पैसा लेकर उन्हें बाजार में ज्यादा ब्याज पर दे रहे हैं, उन पर भी इसके कारण रोक लग जाएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।